ब्लॉगिंग करना ब्लॉग्स लिखना एक इंटरेस्टिंग काम है और इसकी इमेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है सोशली अगर आप कहें कि मैं ब्लॉगर हूँ एकदम से आपको अटेंशन मिलती है लोग अस्यूम करते हैं आप बहुत इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि ये नई फील्ड है इसलिए आमतौर पर ब्लॉग्स लिखने वाले ज़्यादातर यंग लोग हैं लेकिन कुछ जर्नलिस्ट जो पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी ये काम कर रहे हैं तो ये इसकी इसकी इमेज बड़ी पॉजिटिव है ये बड़ा फैसिनेटिंग काम है एक तरह से लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना जब आप ब्लॉग लिखना शुरू करें तो आपके रीजंस क्या हैं तो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट कैन बी सम ऑफ द रीजंस जिसके लिए क्या ब्लॉक करते हैं क्या आपको मशहूर होने का शौक़ है पैसे कमाने का शौक़ है ऐसे ही आप अपनी हॉबी और दिल की तसली के लिए करना चाह रहे हैं अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए या अपनी शोकेस करने के लिए अपने लिखने की सलाहियत को ताकि आप जब दूसरे पेड असाइनमेंट्स लें तो वो लोग देख सकें कि आप कितना अच्छा लिख पाते हैं ये सारे रीजंस हो सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा रियलिटी चेक एकदम से अगर आप ब्लॉग लिखेंगे तो वो एकदम से पैसे कमाने आपके लिए ब्लॉग शुरू नहीं कर सकता दूसरा ये कि आप बेशक वर्ड वगैरह के ऊपर आप फ्री में अपना ब्लॉग होस्ट कर सकते हैं शुरू में लेकिन ये कि उसके साथ जो एडवांस्ड फीचर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं सो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी रियलिटी से आप आश ना हो ताकि आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि मैंने तो सुना था कि लोग ब्लॉग से इतने पैसे कमा रहे हैं एंड सिर्फ पैसे कमाना इज़ नेवर अ गुड रीज़न टू डू समथिंग पैसे आप ज़रूर कमाएं लेकिन ये भी देखें कि आपका शौक कहाँ पर और आप रियलिस्टिकली कैसे पैसे कमा सकते हैं और उसमें आप कितने अरसे तक आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप कुछ आ, कमाने की पोजिशन में हो सकते हैं एंड विच में बी अ गुड आइडिया उसके अलावा अगर आप ये थोड़ा प्रीमियम डालेंगे तो आपकी स्टोरेज उसमें आप ज़्यादा आपको मिल जाएगी डिज़ाइन के एलिमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी और मोनिटाइज़ उसको करने के ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलेंगे तो जितना अगर प्रीमियम डालेंगे तो आप उसको कमा भी उसमें से वापस सकते हैं सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेच्योरली लुक एट ऑल दीज उसको समझदारी के साथ सब ऑप्शन एक्सप्लोर करें और फिर अपना ब्लॉग शुरू करें अगर आप अपनी किसी पोस्ट को बूस्ट करें जैसे आपने फेसबुक पे ब्लॉग डाला और उसको आपने बूस्ट किया ताकि लोग देखें उसको उसमें भी कुछ थोड़े बहुत पैसे लगते हैं तो so ये सारी चीज़ें रियलिस्टिकली इसका बजट करके और इसको राशन करके और फिर आप अपना काम करें उसके अलावा क्या चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी जब आप फ्री लासर हैं क्योंकि आपके कॉलीग्स है सच कोई नहीं है लेकिन यह कि आपको फिर भी सपोर्ट लोगों की चाहिए तो अपना नेटवर्क बनाना फिर भी ज़रूरी है नेटवर्क में हो सकता है आपके जैसे लोग हों आपके राइटर्स हों या आपके दोस्तों राइटर दोस्त अगर हैं तो आप उनके भी ब्लॉग्स को आप या उनके लिखे को काम को सपोर्ट करें और ताकि वो आपके काम को सपोर्ट करें क्योंकि आपको इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ट्रैफिक चाहिए आपको चाहिए कि कितने व्यूज़ हुए कितने लोगों ने देखा कितने ने कमेंट किया उसी वक्त फिर उसमें आप मार्केटियर्स को और प्रोडक्ट्स वालों को इंटरेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइज करें अगर आपकी इतनी उसमें व्यूअरशिप इतनी हो जाएगी तो अपनी ई लिस्ट बनाएं और ई लिस्ट जो आपकी ऑलरेडी है उसको ही यूज़ करें या जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको यूज करके अपने प्रोडक्ट को अपने ब्लॉग को मार्केट करना शुरू करें और अगर आपका अभी सिर्फ फेसबुक अकाउंट है तो फिर कोशिश करें कि और अपनी इस प्रेजेंस को एक्सपेंड करें ट्विटर का अकाउंट खोलें इंस्टाग्राम का खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इंक्लूड करें ताकि आपकी प्रॉबिलिटी उसकी ट्रैफिक बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए एंड पे द प्रोडक्ट हैज़ टू सेल इट सेल्फ लेकिन ये कि एटलीस्ट एक दफ़ा कोई देखे तो सही तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपकी प्रेजेंस हो इन सारी जगहों के ऊपर अगर लोग देखेंगे और आप इससे भी कोई और पांच और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हों लेकिन लोग देखेंगे एक दफ़ा और अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या आपका लिखा हुआ अच्छा नहीं है या इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर इज नथिंग दैट कैन सेव इट तो वो तो अपनी जगह है लेकिन ये कि उसको सपोर्ट और उसको मार्केट करना भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है अगर अच्छा लिखेंगे भी और मार्केट नहीं करेंगे या अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो वो भी आपका एफर्ट जो एक किस्म का है ज़ाया हो सकता है उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप जब रिसर्च करें तो आप देखें कि और क्या है मार्केट में क्योंकि ये एक बहुत आ, बड़ी मार्केट है बहुत कंपेटिटिव मार्केट है बहुत सारे ब्लॉग्स हैं तो देखें लोग दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं उसमें कोई ऐसा नीच है या कोई ऐसा गैप है जिसको कि आप एड्रेस कर सकते हैं आप कहीं ये अभी तक नहीं हुआ मैं कर लूँ लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स डिफरेंट ही चीज़ करे बहुत से एक ही तरह के ट्रैवल के ब्लॉग्स बहुत हैं और सब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं लोग उनको काफ़ी फॉलो करते हैं तो आपको जो चीज़ इंटरेस्ट करती है आप उसको ही देखें लेकिन उसमें अगर कोई आपको एक ऐसा एंगल मिल सकता है जो कि अनएड्रेस्ड हो या किसी और ने उसको ना अभी तक टच किया हो तो वो आपकी एक उसमें वैल्यू एडिशन हो सकती है आप वैल्यू एडिशन उसमें लाएंगे तो ये है कि कोई एंगल आपका डिफरेंट हो सकता है कोई जैसे टॉप कोई आपकी ऐसी ख़ास डेमोग्राफिक हो जिसके लिए आप लिख रहे हो अनयूजल हो जैसे इधर हमने मिसाल दी है कि हाउस कीपिंग फॉर मैन या अगर आप हाउस कीपिंग फॉर साउथ एशियन मैन कर लें तो उसमें फिर ये है कि इंडियन और पाकिस्तानी और इस खत्े के लोग उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं या देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है या मकैनिक्स फ़ॉर गर्ल्स या कार मकैनिक्स फ़ॉर गर्ल्स वो एक यूनिक चीज़ हो सकती है कि जो कि अनयूजल होगी और लोग कहेंगे अच्छा ये इसमें क्या ख़ास बात होगी सो दीज आर सम थिंग्स डेट यू कैन कीप इन माइंड और इसके अलावा ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन या तो इतनी जामे हो जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं कि लोगों को कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े जैसे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी चीज़ को किसी ने कैमरा खरीदना है और वो कह मैं देखता हूँ इंटरनेट के ऊपर कि कैमरे के बारे में क्या ब्लॉग्स हैं कौन से आजकल चल रहे हैं लेकिन अगर आपके ब्लॉग में हर लेवल का उसमें लिखा हुआ है कि इतनी प्राइस वाला कैमरा या इस मकसद के लिए कौन कौन सी लिस्ट हो सकती हैं तो वो फिर इट विल बी अ गुड रिसोर्स जिसपे सब लोग जाएंगे साइट भी करेंगे उसको कोड भी करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो आपके ब्लॉग्स को पॉपुलर कर सकती हैं और एंड ऑफ द डे इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होनी चाहिए मार्केटिंग भी लेकिन राइटिंग का स्टाइल भी अगर अच्छा होगा तो दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा बूस्ट तो बिकॉज इट इज़ अ राइटिंग की चीज़ बेशक पिक्चर्स डलती हैं जो भी कुछ है लेकिन बहरहाल वो एक इट्स एजरा ऑफ राइटिंग तो राइटिंग भी किसी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए ऑडियंस को जाने अपनी uh, ये किसी भी चीज़ को लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को जानें और उसके अलावा एक ये भी है कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपकी अगर फेसबुक ट्विटर प्रेजेंस है आपके जहन में कोई टॉपिक आया है आप सोच रहे हैं मैं इस पर लिखूँ या इस पे लिखूँ तो आप उसके बारे में ट्वीट करके या फेसबुक पोस्ट डाल के अपने फॉलोअर्स से पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है या वॉट वुड यू लाइक टू नो अबाउट दिस एंड यू कैन जस्ट गेट योर आउटलाइन देयर जो लोग जवाब देंगे कि हमें इसमें ये इसके बारे में हमें ये नहीं पता या हमारी दिलचस्पी इस टॉपिक के बारे में इस सब टॉपिक में तो देट विल गिव यू सम आइडियाज या अगर लोग कहें कि ये तो क्या बोर सी बात आपने की है अगर ज़्यादातर लोग ऐसे कहें सो दैट विल आल्सो गिव यू सम डायरेक्शन तो उसको इंटरेक्टिव रखें अपने टॉपिक्स के सिलेक्शन को और अपने इसको सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें टू सपोर्ट द वर्क यू आर डूइंग डिज़ाइन भी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए सेलफोन पर एक्सेसिबल हो इतना हैवी ना हो इमेजेज उसमें इतनी हाई रेजोल्यूशन ना हो कि वो डाउनलोड हो ही ना पाएँ किसी तरह और दूसरा यह है कि आपको अगर ट्रैफिक कंसिस्टेंट रखना है तो आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट भी कंसिस्टेंटली डालनी होंगी अगर आप बीच में मिस कर देंगे या कई महीनों आप उसमें कुछ नहीं डालेंगे तो लोग भी उसको भूल जाएंगे और वो इतना टॉप ऑफ द लिस्ट पे नहीं रहेगा तो मेक श्योर sure कि आप अपनी उसमें भी आपकी कमिटमेंट के साथ आप अपनी कॉन्स्टेंटली पोस्ट डालें उसमें एक और तरीका ये है कि जो दिस इज समथिंग दैट अदर ब्लॉगर्स डू ऑल्सो कि वो अपने एक ब्लॉग अगर उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया और उसका एक इंट्रोडक्शन लिखा अगली बार वो उसको एक महीने बाद या दो हफ्ते बाद दोबारा से पोस्ट कर दें और उसमें उसके कॉन्टेंट में से किसी और हिस्से को ऊपर कोट करके उसका जो है रेफरेंस ऊपर जो इंट्रोडक्शन में जो नज़र आएगा जब आप पोस्ट करेंगे वो कोई और हिस्सा करके फिर उसको दोबारा से पोस्ट कर देते हैं आप दो दफ़ा कर लें तीन दफ़ा चार दफ़ा और उससे जो है आपकी व्यूअरशिप बढ़ सकती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप एक ही चीज़ को दोबारा दोबारा पोस्ट करें लेकिन उसको मतलब गैप के साथ किसी हिसाब के साथ सो दैट विल ऑल एड टू वट्स यूर डूइंग उसके अलावा ये कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कोई नॉलेज दे रहे हैं तो बी जेनरस अगर आपने कोई आ, किसी इमोशनल वेलबींग well के बारे में दे रहे हैं तो उसमें आप जेनरस कैसे होंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपनी बात अपनी वलनरेबिलिटी uh, छुपा के ना रखें बल्कि ओपनली शेयर करें एंड दैट कैन बी अ गिफ्ट फॉर द ऑडियंस या कोई भी जो भी नॉलेज है आपके पास या कोई रेसिपीज का अगर ब्लॉग है तो उसमें भी आप अपनी सारी टिप्स और सारी चीज़ें जो हेल्प करें लोगों को उस चीज़ को यूज़ करने में वो सारी आप जेनरसली शेयर करें और इसके अलावा कोई अगर आप फ्री कॉन्टेंट साथ में देना चाहें एडिशनल तो वो भी दें सो दैट विल मेक पीपल कम टू इट क्योंकि आप असेंशली रीडर के साथ एक रिलेशनशिप बना रहे हैं किताब तो एक दफ़ा पढ़ी जाती है ख़त्म हो जाती है बट दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट थिंग आपने हर वक्त कुछ कहना है उन्होंने देखना है रीडर्स ने फिर उन्होंने उस पर कॉमेंट करना है या नहीं करना है या शेयर करना है सो इट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग जिसमें आपको भी उनकी रीडर्स की ज़रूरत है और वो भी आपको कुछ देने की पोजिशन में और आप भी सो द मोर जनरस यू आर द बेटर रिस्पॉन्स यू गेट तो ये कुछ गाइडेंस uh, है ब्लॉग लिखने के लिए